नमस्कार किसान साथियों, इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में आज आपका स्वागत है, जहां पर बात होती है केवल और केवल किसान की। मेरा नाम दलबीर है और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़े एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि फसल चक्कर क्या है और इस फसल चक्कर की क्या विशेषताएं हैं और फसल चक्कर के क्या लाभ है, किस तरह फसल चक्कर अपनाने से फसल में वृद्धि होती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फसल चक्कर क्या होता है, फसल चक्कर का महत्व एवं लाभ। फसल चक्कर को सस्य चक्कर या क्रॉप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदल बदल कर बोना ही फसल चक्कर कहलाता है। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह के पौधे के लिए भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के सदुपयोग से भूमि की भौतिक और जैविक स्थिति में संतुलन बनाए रखना है। तो लगातार फसल चक्र अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। फसल चक्र का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमि से लगातार अच्छी फसल ले सकते हैं और इसके अपनाने से खेत की उर्वरकता भी बनी रहती है। जबकि एक ही फसल को लगातार उगाने से किसान भाइयों को फसल की कम उपज मिलती है और एक ही फसल को खेत में लगातार उगाने से मिट्टी में बीज जनित और मृदा जनित रोग भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण भूमि में विषैले गुण आ जाते हैं। भूमि के अंदर विषैले गुण उत्पन्न हो जाने पर भूमि में पानी जाने वाली छोटे उपयोगी मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं और भूमि धीरे धीरे बंजर रूप धारण करने लगती है। फसल चक्र के फायदे। किसी भी खेत में फसल चक्र अपनाने से भूमि और फसल में कई तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। फसल चक्र के अपनाने से भूमि में अम्लीय और क्षारीय गुण, पोषक तत्व और जैविक पदार्थों की मात्रा संतुलित रहती है। फसल चक्र के अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीज जनित रोग नहीं लगते। इसके अपनाने से फसलों में पैदावार अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जिनकी गुणवत्ता भी अच्छी पाई जाती है। भूमि में फसल चक्र अपनाने से रासायनिक उर्वरक कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे मिट्टी प्रदूषित होने से बचती है। फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोग भी काफ़ी कम ही देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों के द्वारा रासायनिक दवाओं पर किया जाने वाला खर्च भी कम हो जाता है। फसल चक्र के दौरान फली वाली फसलों के बोने पर खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति रहती है। फसल चक्र अपनाने से खेत में खरपतवार में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि फसल चक्र के दौरान अधिक गुड़ाई वाली फसलों के बोने पर खेत में खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। फसल चक्र अपनाने का तरीका। फसल चक्र में सामान्य रूप से फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है। इन्हें बोने के दौरान फसल चक्र निर्धारित करने के कुछ मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें किसान भाइयों को अपनाने चाहिए। अधिक पोषण तत्व ग्रहण करने वाली फसलों की खेती के बाद खेत को एक बार खाली छोड़ देना चाहिए। किसी भी विशेष रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चाहिए। जिन फसलों की जड़ें अधिक गहराई में जाती हैं, उन फसलों के बाद जिन फसलों की जड़ें कम गहराई में जाती हैं, उन्हें उगाना चाहिए। अनाज फसलों को उगाने के बाद 2 से 3 साल में एक बार दलहनी फसल को जरूर उगाना चाहिए। अधिक गुड़ाई वाली फसलों के बाद कम गुड़ाई की जरूरत वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक सिंचाई वाली धान जैसी फसलों के बाद कम सिंचाई की जरूरत वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक उर्वरक लेने वाली फसलों के बाद जिन फसलों के लिए उर्वरक की काफ़ी कम आवश्यकता होती है, उन्हें उगाना चाहिए। फसल चक्र के प्रकार। फसलों की श्रेणी के आधार पर फसल चक्र के कई प्रकार है। फसल चक्र के प्रकार। फसल चक्र के तरीके। प्रति पर आधारित। प्रति गेहूं, प्रति सरसों, प्रति आलू, धान प्रति। नंबर 2, हरी खाद आधारित। हरी खाद गेहूं, हरी खाद केला, हरी खाद आलू, हरी खाद धान, हरी खाद गन्ना। दलहनी फसल आधारित। मूंग गेहूं, मूंगफली अरहर, धान चना, बाजरा चना, मूंग गेहूं, धान चना, कपास मटर गेहूँ, ज्वार चना, बाजरा चना, ज्वार चना, कपास मटर गेहूँ, धान मटर, गन्ना, मूंगफली अरहर, गन्ना, मसूर, मेथा, मटर मेथा। अनाज आधारित। मक्का गेहूँ, धान गेहूँ, गन्ना गेहूँ, चना गेहूँ, धान गन्ना, पेड्डी मक्का, जौ, ज्वार गेहूँ,
बाजरा, गेहूँ, धान, बरसीन, मक्का, उर्द, गेहूँ। सब्जी फसल आधारित टिंडा, आलू, मूली, सब्जम, भिंडी, गाजर, भिंडी, मटर, पालक, टमाटर, फूलगोभी, मूली, धान, आलू, टमाटर, बंद गोभी, मूली, बैंगन, लौकी, धान, लहसुन, मिर्च, धान, आलू, लौकी। ये फसल चक्कर की कुछ विशेषताएं थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।